मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मुलेठी यानी लिकोरिस या नद्यपान का उपयोग व्यापक रूप से मिठाई, टूथपेस्ट और पेय पदार्थ में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भारतीय आयुर्वेद के साथ साथ चीनी दवाओं में भी प्राचीन काल से होता आ रहा है। मुलेठी को अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में लिकोरिस, हिंदी में मुलेठी, संस्कृत में यष्टि मधु, आयुर्वेद में यष्टि मधु और अन्य भाषाओं में इसे मुलती, यष्टि मधु, यष्टि मधुका, जेठी माद्य भी कहा जाता है। औषधीय प्रयोजनों के लिए इस जड़ी बूटी की सूखी जड़ का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह दुनिया भर में औषधीय लाभ के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। इस जड़ी बूटी का स्वाद चीनी की तुलना में ज़्यादा मीठा होता है। इसके कई पोषक तत्वों और फ्लोनाइड्स की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह विटामिन बी और विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। यह फास्फोरस, कैल्शियम, कोलीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, सिलिकॉन और जिंक जैसे खनिजों का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें कई आवश्यक फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मुलेठी की जड़ आसानी से अलग अलग रूपों में बाज़ार में उपलब्ध है। आप इसे सूखी जड़ पाउडर या कैप्सूल के रूप में पा सकते हैं। हालांकि चिकित्सा सहायता के रूप में इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पूर्व चिकित्सक की परामर्श अवश्य लेना चाहिए। मुलेठी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सर्दियों में अधिक उपयोग करने से आपको कई तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। मुलेठी गले में खराश, गले में जलन, खांसी और ब्रोंकाइटिस के इलाज में सहायक है। मुलेठी ब्रोंकाइटिस और गठिया सहित कई सूजन संबंधी बीमारियों के इलाज में प्रभावी है। अध्ययन के अनुसार मुलेठी अस्थमा को काबू करने में फायदेमंद है। मुलेठी में सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है। मलेरिया को ठीक करने में भी मुलेठी का सेवन किया जा सकता है। बालों के झड़ने को रोकने के लिए मुलेठी का उपयोग किया जाता है। यादाश्त अच्छी करने के लिए मुलेठी का उपयोग किया जाता है। मुलेठी पीलिया के इलाज के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम पारंपरिक उपचारों में से एक है। डायबिटीज़ के इलाज में मुलेठी का उपयोग हो सकता है। यह कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल की जा सकती है। मुलेठी खाने का सही तरीका। मुलेठी का मौखिक उपयोग पेट की बीमारियों, गठिया, अत्यधिक तैलीय बालों आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। एक छोटा चम्मच लगभग 5 मिलीलीटर मुलेठी पाउडर को गर्म पानी लगभग 250 मिलीलीटर में मिलाएं और इस मिश्रण को अच्छे से घुलने दें। मुंह के घावों को आराम देने के लिए और ठीक करने में मदद करने के लिए दिन में 4 से 5 बार इस मिश्रण को गलारें करें। ध्यान रखें कि आप इस मिश्रण को निगले ना। इसी प्रकार 1/4 कप लगभग 60 मिलीलीटर गर्म पानी और आधा छोटा चम्मच लगभग 2.5 मिलीलीटर मुलेठी के पाउडर को साथ में मिलाएं और गरारें करें। यह सांस को बदबू को कम करने या ख़त्म करने में मदद कर सकती है। जुखाम, खांसी आदि के इलाज में मदद करने के लिए मुलेठी की चाय का सेवन करें। मासिक धर्म के दौरान मुलेठी की चाय पीने से शरीर में ऐंठन कम होती है। इसका अधिक लाभ लेने के लिए मासिक धर्म शुरू होने के 3 दिन पहले से ही इसका दिन में 1 बार सेवन करें। सांस की बदबू दूर करने के लिए आप मुलेठी को चबा भी सकते हैं। मुलेठी पीलिया, हेपेटाइटिस और गैर शराबी फैटी एसिड, फैटी लीवर जैसे यकृत रोगों के इलाज में मदद करती है। इसके प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स गुण मुक्त कण और विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाले नुकसान से जिगर की रक्षा करता है। इसके अलावा मुलेठी हेपेटाइटिस के कारण लीवर की सूजन को कम करने में मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च जनरल में प्रकाशित 1/2012 के अध्ययन में पाया गया है कि नद्यपान जड़ का एक्सट्रैक्ट गैर शराबी फैटी लीवर रोग के उपचार में मदद करता है। मुलेठी जड़ की चाय का 1 कप जिगर के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पिया करें। चाय बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में मुलेठी के जड़ के पाउडर का आधा चम्मच डालें। 5 से 10 मिनट के लिए ढकें और छान लें। 1 सप्ताह के लिए हर दिन 1 बार इस चाय को पिएं, फिर कुछ हफ्ते के लिए रुक जाएं और फिर से दोहराएं। आप मुलेठी के पूरक भी ले सकते हैं, लेकिन केवल अपने चिकित्सक के परामर्श के बाद ही। यह जड़ी बूटी गले में खराश, सर्दी, खांसी और दमा के रूप में श्वसन तंत्र में संक्रमण का इलाज करती है। अपने सूजन को कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण ब्रोंकियल नलियों की सूजन को कम करने और वायु मार्ग को शांत करने में मदद करती है। यह बलगम को निकालती है, जिससे खांसी में आराम मिलता है।
इसके अलावा इसके रोगाणुरोधी जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण सांस की बीमारियों और बलगम का कारण होने वाले रोगाणुओं से लड़ते हैं। जब सांस की समस्या से पीड़ित हैं तो मुलेठी जड़ की चाय के कुछ कप पीने से राहत मिलती है। थोड़े से शहद के साथ मुलेठी के चूर्ण या पाउडर का आधा चम्मच मिश्रित करके कुछ दिनों के लिए दिन में दो बार लें। गले में जलन को शांत करने के लिए मुलेठी कैंडीज को भी चूसा जा सकता है। मुलेठी शरीर को वायरस बैक्टीरिया और संक्रमण से मुक्त करने के लिए एक मजबूत स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुलेठी लिम्फोसाइटों और मैक्रोफेज जैसे रसायनों के उत्पादन में मदद करती है जो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्राकृतिक रक्षा प्रणाली में सुधार लाते हैं। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाते हैं। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए मुलेठी की चाय पिएं या अपने चिकित्सक से परामर्श के बाद मुलेठी की खुराक लें। या आप मुलेठी शहद घी या घी के साथ मिश्रण बनाएं और इसका सेवन करें। यह मिश्रण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगा। लिकोरिस जड़ यानी मुलेठी की जड़ कब्ज, अम्लता, सीने में जलन, पेट के अल्सर, पेट के अस्तर की सूजन जैसी पाचन समस्याओं के इलाज में सहायक है। इसका हल्का रेचक प्रभाव मल त्याग को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सूजन को कम करने और जीवाणुरोधी गुण भी पेट में सूजन को कम करने और संक्रमण से पेट की अंदरूनी परत को बचाने में मदद करते हैं। एक 2013 के अध्ययन में हेलिकोबैक्टर संक्रमित पेप्टिक अल्सर पर मुलेठी के उपचार का प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। एक पाचन सहायक के रूप में एक कप गर्म पानी में नद्यपान पाउडर की एक चम्मच डालें, 10 मिनट के लिए ढकें और फिर छान लें। एक सप्ताह में इसे 2 से 3 बार पिएं, लाभ मिलेगा। मोटापा एक गंभीर स्थिति है। इस जड़ी बूटी में उपस्थित फ्लेवोनॉइड्स शरीर में अत्यधिक वसा संचय को कम करने में मदद करते हैं। मोटापा अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास जर्नल में प्रकाशित 2009 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि मुलेठी का तेल अधिक वजन वाले लोगों में शरीर और आंत के वसा को कम करने में मदद करता है। मुलेठी या मुलेठी का तेल मोटापे की रोकथाम और इलाज में मदद करती है। हालांकि मुलेठी कैंडी को खाने से बचें जो चीनी के साथ भरी होती है। यह जड़ी बूटी सूजन वाले रोगों के जैसे रूमेटाइड्स, अर्थराइटिस आदि के इलाज में मदद करती है। यह गठिया के 2 आम लक्षणों दर्द और सूजन को शांत करने में मदद कर सकती है। बायोमेडिसिंस और जैव प्रौद्योगिकी के जर्नल में प्रकाशित 2010 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि मुलेठी और भुनी हुई मुलेठी का अर्क गठिया को रोकने और इसके इलाज में फ़ायदेमंद हो सकता है। गठिया के दर्द और सूजन को कम करने के लिए मुलेठी की चाय के कुछ कप हर दिन पिएं या अपने चिकित्सक से परामर्श के बाद इसका पूरक लें। यह जड़ी बूटी मौखिक स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। अपने जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण के कारण कैविटी वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है, पुट्टिका को कम करती है, बुरी सांस को रोकती है और आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत और स्वस्थ रखती है। प्राकृतिक उत्पाद पर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित एक 2012 के अध्ययन ने मुलेठी की जड़ के मौखिक स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि की है। एक और एनरोब पत्रिका में प्रकाशित 2012 अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मौखिक स्वच्छता उत्पादों जैसे टूथपेस्ट और माउथवाश में मुलेठी की जड़ के अर्क का उपयोग करने की स्वीकृति दी है। सूखे मुलेठी के जड़ के पाउडर का प्रयोग अपने दांतों को ब्रश करने के लिए करें या एक मुलेठी युक्त माउथवाश का उपयोग मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करें। आप प्रतिदिन मुलेठी की एक नरम छड़ी या दातून का उपयोग अपने दांतों को ब्रश करने के लिए भी कर सकते हैं। मुलेठी की औषधीय गुणों की वजह से लंबे समय से इसका उपयोग आयुर्वेद में होता आ रहा है। पेट की समस्याओं के कारण मुंह में छाले हो सकते हैं जिसे मुलेठी ठीक करने में मदद करती है। इसका ज़्यादा लाभ पानी या शहद के साथ लेने पर होता है। यह आपके पेट को साफ करने में मदद करती है और अल्सर के लिए जिम्मेदार खतरनाक टॉक्सिन को शरीर से हटा देती है। यदि आपने अभी तक मुलेठी का उपयोग नहीं किया है तो मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग जरूर करें। मुलेठी सूजन को कम करने और म्यूकोशा चिकित्सा गुणों के कारण नासूर घावों के इलाज में मदद करती है। यह दाद के वायरस से लड़ने में भी मदद करती है। कुछ 200 मिलीग्राम डीग्लिसराहाइड्रिनेटेड कैप्सूल मुलेठी कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार चबाएं। आप पानी में भी कुछ मुलेठी की गोलियों को मिला सकते हैं और दिन में 4 बार इससे कुल्ला कर सकते हैं। मुलेठी रजोनिवृत्ति के साथ जुड़ी कई समस्याओं से निपटने में मदद करती है। इस जड़ी बूटी में फाइटोएस्ट्रोजेनिक यौगिक
शरीर में हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद करते हैं, ताकि रात को पसीना, अनिद्रा, अवसाद, योनि सूखापन जैसे लक्षणों को कम किया जा सके। इसके अलावा मुलेठी में विटामिन बी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन जैसे हार्मोन को विनियमित करने के गुण होते हैं, जो इन लक्षणों से लड़ने में मदद करते हैं। 2012 में ईरान के प्रारंभिक औषधि अनुसंधान जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन में रजोनिवृत्ति हॉट फ्लैशेस पर मुलेठी के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। यह जड़ी बूटी अवसाद के इलाज में भी मदद करती है। मुलेठी अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड्स के कामकाज में सुधार लाती है, जो घबराहट और अवसाद से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और बीटा कैरोटीन जैसे आवश्यक खनिज और फ्लोनाइड्स हैं, जो अवसाद को दूर करने में मदद करते हैं। मुलेठी महिलाओं में रजोनिवृत्ति के पूर्व और इसके बाद अवसाद का मुकाबला करने में कारगर है। आणविक तंत्रिका विज्ञान के जनरल में प्रकाशित एक 2003 के अध्ययन के अनुसार मुलेठी सेरोटोनिन को रोकती है, जिससे रजोनिवृत्ति के पूर्व और उसके बाद महिलाओं में अवसाद के इलाज में मदद मिलती है। आप अवसाद से लड़ने के लिए इस जड़ी बूटी को चाय या पूरक आहार के रूप में ले सकते हैं। इसकी खुराक लेने से पहले आप चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। मुलेठी की एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस भी कहा जाता है। मुलेठी को एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको निरोग बनाकर रखने वाले कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस कारण मुलेठी आपकी त्वचा संबंधी कई समस्याओं को दूर करती है और इसे स्किन को फिर से जवा बनाने वाली जड़ी बूटी के तौर पर भी देखा जाता है। शरीर में मौजूद फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की वजह से त्वचा को भी नुकसान पहुँचता है, उसे असरदार तरीके से ठीक करने में मदद करती है मुलेठी। इतना ही मुलेठी शरीर के वात और पित्त दोष को शांत कर त्वचा में मौजूद हानिकारक तत्वों को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। स्किन से जुड़ी कई समस्याओं जैसे एक्जिमा, कील मुहासे, स्किन पर चकत्ते होना और फोड़े फुंसी के इलाज में भी फायदेमंद साबित हो सकती है मुलेठी। जब मुलेठी को क्लींजर या टोनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स की समस्या दूर होती है, जिससे दाग धब्बे हट जाते हैं और स्किन ग्लोइंग हो जाती है। मुलेठी को पेस्ट या जेल के तौर पर एक्जिमा के पैच पर लगाने से स्किन को ठंडक मिलती है और खुजली और लालिमा दूर होती है। मुलेठी पाउडर में गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और फिर चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे की चमक बढ़ती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो चेहरे से तेल कम करने के लिए आप मुलेठी के पाउडर में चंदन का पाउडर और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर फेस मास्क के तौर पर लगाएं। फिर स्किन की ही नहीं, बालों के लिए भी ये मुलेठी फ़ायदेमंद है। बालों को लंबा करने के लिए भी मददगार साबित हो सकती है मुलेठी। हमारे सिर के स्कैल्प्स और हेयर फॉलिकल्स में रक्त संचार को बेहतर बनाती है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। नियमित रूप से मुलेठी का सेवन करने से न सिर्फ गिरते बालों की समस्या दूर होती है, बल्कि गंजेपन की भी समस्या दूर होती है। कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की समस्या भी दूर होती है और कई तरह के स्कैल्प इन्फेक्शन से भी छुटकारा मिलती है। पर अधिक मात्रा में मुलेठी नुकसानदायक भी है। 2 सप्ताह से ज़्यादा मुलेठी बड़ी मात्रा में लेना हानिकारक हो सकता है। यह हाई ब्लड प्रेशर, द्रव प्रतिघात धारक यानी फ्लूड रिटेंशन और चयापचय असमानताएँ यानी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ जैसे दुष्प्रभावों का कारण बन सकती है। यदि आप मूत्रल या हाई बीपी के लिए दवाएं ले रहे हैं, तो इस जड़ी बूटी को लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। अगर आप मधुमेह, गुर्दे की बीमारी या कम पोटेशियम के स्तर से परेशान हैं, तो इस जड़ी बूटी को लेने से पूर्व चिकित्सक की परामर्श लें या लेने से बचें। यह जड़ी बूटी गर्भवती महिलाओं या बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। धन्यवाद।